Hello friends, welcome to our channel Educational Cooperation. Today we will discuss an important chapter of chemistry that is matter and its composition. तो शुरू करते हैं. इससे पहले हम देखेंगे इसके कोई keywords. तो सबसे पहले है मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ऐसी कोई सी भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर मास होता है तो वो हमारा होता है मैटर. नेक्स्ट पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. जो मैटर होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है. थर्ड है एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच में और में नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का जिसको हम और स्टेट में ब्रेक नहीं कर सकते. नेक्स्ट है मॉलिक्यूल आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. दे आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड. और मॉलिक्यूल्स जो होता है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अलग अलग प्रकार के एटम या सेम प्रकार के एटम से मिलकर बने होता है. नेक्स्ट है द एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन. जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं. नेक्स्ट है देयर आर गैप्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और जो उनके बीच में गैप होता है उनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. नेक्स्ट है मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट. मैटर के तीन स्टेट है सॉलिड लिक्विड और गैस. मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर. मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है जैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं. नेक्स्ट है द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. और मैटर का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. अब हम करते हैं कुछ आंसर क्वेश्चन की बात. तो पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है डिफाइन मैटर. तो एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास आर कॉल्ड मैटर. ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसके अंदर मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम बोलते हैं मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास और वेट में क्या डिफरेंस है. तो मास इज द क्वालिटी ऑफ मैटर एंड वेट इज द फोर्स विथ विच द वर्ल्ड पुल्स अ बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ. मास क्या है. तो मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है. और वहीं पे वेट क्या है. तो वेट है अर्थ की तरफ से लगने वाला फोर्स उस ऑब्जेक्ट की तरफ. द मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज बट वेट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो चेंज नहीं होता है क्योंकि मास जो है वो क्या है क्वांटिटी ऑफ मैटर है. और क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज नहीं होगी किसी ऑब्जेक्ट की. लेकिन वेट जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि उस पर एक फोर्स लगेगा अर्थ की तरफ से जो कि होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है. इसलिए वेट जो है वो चेंज हो जाएगा और मास जो है वो सेम रहेगा. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एन ऑब्जेक्ट वेट 6 N ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स मास. अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 6 N है अर्थ पर तो उसका वेट मून पर कितना होगा और क्या उसमें चेंजेस आएंगे. तो मून पे जो वेट होता है वो अर्थ के वेट से 6 टाइम्स होता है यानी कि 1/6 होता है. तो अगर अर्थ पे किसी का वेट 6 N है तो मून पर सिर्फ 1 N होगा क्योंकि अर्थ पे 6 टाइम ग्रेविटी ज़्यादा लगती है और मून पे 6 टाइम कम लगती है. तो 6 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1 N. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है राइट योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें कंक्लूजन बताना कुछ हमें पॉइंट्स दिए हैं. तो पहला इसमें है व्हेन फ्यू मार्बल्स आर पुट इन अ ग्लास हाफ फिल्ड वाटर. अगर कुछ मार्बल को डाल दिया जाए एक ग्लास के अंदर जिसमें आधा पानी से भरा हुआ है वो तो क्या होगा. और सेकेंड है आइस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर. आइस को रख दिया अगर रूम टेम्परेचर तो क्या होगा. तो समझते हैं टेक सम मार्बल एंड पुट देम इनटू द वाटर ग्लास टम्बलर वन बाय वन. कुछ मार्बल टेक करने हैं और फिर हमें उसको एक ग्लास के अंदर डाल देना है जिसके अंदर हमने कुछ पानी भर रखा है. आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट वाटर लेवल क्रॉसेस द मार्क एंड राइसेस. और हम कुछ समय के बाद नोटिस करेंगे कि जो वाटर लेवल है वो राइज हुआ है यानी कि इंक्रीज हुआ है. वाटर का लेवल ऊपर गया है. दिस इज़ बिकॉज द मार्बल ऑक्यूपाई स्पेस. और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो मार्बल है उन्होंने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है. अगेन वेट द ग्लास विद द मार्बल. और फिर हम वेट उसका मेज़र करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा. इससे प्रूव होता है कि मार्बल क्या है उसके अंदर मास है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है यानी कि मार्बल एक तरीके से मैटर है. अब वही हम बात कर लेते हैं आइस की, जिसको हमने एक रूम टेम्परेचर पर रखा है। तो आइस व्हेन केप्ट एट रूम टेम्परेचर अगेन चेंज बैक इनटू लिक्विड वाटर। जब आइस को हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने जैसे पहले बताया था कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर लेता है जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं उनको हमें बताना। तो नंबर 1, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। पार्टिकल को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकंड, इट इज़ कम, लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा कि पार्टिकल को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट इसका, इट इज़ कम्पोज ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल विच कैन आइदर बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। जो हमारा मैटर होता है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल से बना होता है। वो मटेरियल होमोजेनियस भी होता है यानी कि एक ही तरह का हो सकता है, हेट्रोजेनियस यानी कि दो अलग अलग तरह का भी हो सकते हैं। थर्ड है, मैटर हैज़ वॉल्यूम, मास एंड वेट एज पर द स्टेट। मैटर के अंदर वॉल्यूम होगा, उसका मास होगा और वेट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल। हमें डिफरेंस बताना है एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो सबसे पहले एटम, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है। और मॉलिक्यूल क्या है, तो मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी कंपाउंड का। इट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम फ्री स्टेट में नहीं मूव करता है, जबकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट स्टेट में मूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस को हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले सॉलिड, और सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ अ फिक्स्ड शेप, मास एंड वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट है जहाँ पे उसका शेप फिक्स रहता है, मास भी फिक्स रहता है और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। इट सफर्स वेरी स्मॉल चेंज। इसमें बहुत कम चेंज होता है जब हम किस टेम्परेचर को प्रेशर को चेंज करते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो इट हैज़ अ डेफिनेट मास। लिक्विड में डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। इट टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। लिक्विड का शेप वैसा हो जाएगा जैसे उसको कंटेनर में हम रखेंगे, जैसे कि मिल्क, वाटर, इंक। अब हम गैस की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ ओनली डेफिनेट मास। गैस स्टेट मैटर का वो स्टेट है जिसका डेफिनेट मास होता है सिर्फ, ना ही इसका कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इट टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। और ये भी कंटेनर के आकार का शेप ले लेती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेनर के अंदर भरे या ऑक्सीजन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है वाई आर लिक्विड एंड गैसेज कॉल्ड एज फ्लूइड। लिक्विड और गैसेज को फ्लूइड क्यों कहते हैं। तो द पार्टिकल आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। ये वो पार्टिकल है जो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव हो जाते हैं। They can flow because all substance that can flow are called fluids। ये फ्लो करते हैं, ऐसे जितने भी सब्सटेंस जो फ्लो करते हैं, बहते हैं, उनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। और लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड। लिक्विड और गैस दोनों क्या है, फ्लूइड्स हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इन कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इन कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करना है। तो द प्रोसेस बाय विच मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू ओरिजिनल स्टेट विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो इन कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर होता है मैटर का एक स्टेट से दूसरी फॉर्म में जाना और वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफरेंट इन द फिजिकल स्टेट। सॉलिड, लिक्विड और गैस इनकी फिजिकल स्टेट चेंज क्यों होती है या अलग अलग क्यों होती है। तो intermolecular force of attraction and intermolecular space are two important properties of matter that counts for different states of matter। Intermolecular force और intermolecular space अलग अलग मैटर्स का अलग अलग, जैसे सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग होगा, वही लिक्विड में भी अलग होगा और गैस के अंदर भी अलग होगा। इसी वजह से मैटर की फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है। नेक्स्ट है अंडर व्हाट कंडीशन डू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस चेंज देयर स्टेट। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड और गैस अपनी कंडीशन चेंज कर लेते हैं। तो वो कंडीशन होती है जब हम वहाँ पे चेंज करते हैं टेम्परेचर या फिर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन। अब यहाँ पे हमें रीजन बताना है। तो पहला क्वेश्चन है When a stone is dipped in a glass containing some water, the level of water rises, but when a spoon of sugar is added to it and stirred, the water level does not rise. जब हम एक स्टोन को डिप्ड करते हैं गिलास के अंदर, उसके अंदर कुछ पानी है तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है, लेकिन जब इसमें हम कुछ शुगर डाल देते हैं और स्टिर करते हैं तो वाटर लेवल चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों? इसका रीज़न बताना है। और सेकंड में हमें रीज़न बताना है, द ड्रॉप ऑफ इंक एडेड टू वाटर इन अ ग्लास टर्न होल वाटर ब्लू। जब हम इंक डालते हैं पानी के अंदर तो पूरा का पूरा पानी ब्लू हो जाता है, इसका भी रीज़न हमें बताना। तो पहले हम समझते हैं पहला रीज़न, जिसमें हम स्टोन डालते तो राइस होता है वाटर लेवल, और जब हम शुगर डालते हैं तो राइस नहीं होता है, तो ऐसा क्यों? तो करते हैं पहले का आंसर। टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, डिप अ स्पून इन। पहले हमने क्या किया, हाफ ग्लास वाटर लिया, इसके अंदर स्पून डाली। व्हाट डू ऑब्जर्व? टेक अ वाटर लेवल राइस इंडिकेटिंग द स्पून ऑक्यूपाई स्पेस। और हम ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर लेवल इंक्रीज हो गया। इससे पता चलता है स्पून के अंदर क्या है, ये मास है और इसके अंदर स्पेस भी कवर कर रही है, यानी कि एक मैटर है। नाउ रिमूव द स्पून, अब रिमूव कर दो स्पून को। वाटर कम्स डाउन इट ओरिजिनल लेवल, तो वाटर अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। नाउ एड अ स्पून ऑफ शुगर टू इट एंड स्टिर वेल। अब हम क्या करेंगे, स्पून के हेल्प से शुगर डालेंगे और उसको मिक्सअप करेंगे। द शुगर डिसअपियर बट द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास डज नॉट राइज। हम देखेंगे कि शुगर जो है उसके अंदर से डिसअपियर हो गई है और वाटर लेवल राइज नहीं हुआ है। दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज़ नॉट इंक्रीज। का मतलब यह है कि वॉल्यूम वाटर का इंक्रीज नहीं हुआ है। बट वेयर डिड द शुगर पार्टिकल डिसअपियर, लेकिन शुगर पार्टिकल गए कहाँ पर है? तो द शुगर पार्टिकल बींग स्मॉलर गेट एडजस्टेड बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल। शुगर के पार्टिकल क्या हो गए हैं, स्मॉल हो गए हैं और वाटर के साथ वो एडजस्ट हो गए हैं। दिस शो डेट देयर आर इंटरमोलिकुलर स्पेस इन वाटर। तो इससे हमें पता चलता है कि पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस है जहाँ पे वो शुगर पार्टिकल सेटल हो गए हैं। अब हम बात कर ले इंक का, कि इंक पूरे वाटर को ब्लू क्यों कर देता है। तो दिस इज बिकॉज वाटर एज वेल एज इंक पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। ये इसलिए होता है क्योंकि वाटर का और जो इंक के पार्टिकल है वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। ड्यू टू मोशन द ब्लू कलर पार्टिकल ऑफ द इंक स्प्रेड ऑल ओवर। इस वजह से जो ब्लू पार्टिकल्स हैं या ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं इंक के, वो स्प्रेड हो गए हैं पूरे के पूरे वाटर में। एंड गिव ब्लू कलर टू द वाटर, और इस वजह से पूरा का पूरा जो कलर है वो ब्लू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल करना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, एयर इज द मैटर बिकॉज इट हैज। एयर एक मैटर है क्योंकि इसके अंदर वेट है, मास है, स्पेस है और ये कंप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड है द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ। मॉलिक्यूल किससे मिलके बने होते हैं? तो एटम से। नेक्स्ट है द क्वान्टिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम बोलते हैं मास, और अगर फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे अर्थ के तो हो जाएगा वेट। द स्टेट ऑफ मैटर विद डिफाइंड वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप इज कॉल्ड। वह स्टेट मैटर की जहाँ पर वॉल्यूम और शेप डेफिनेट रहता है तो बहुत ही सॉलिड। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो। ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी टर्म हम यूज़ करेंगे? द चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सी है द पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पार्टिकल ऑफ मैटर जो फ्री स्टेट में नहीं होते तो वो होता है सॉलिड के। नेक्स्ट है द प्रोसेस ड्यू टू विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर। ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होगा वेपर में तो वो प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। वेपर से अगर लिक्विड में होता है तो कंडेंसेशन, और सॉलिड से वेपर में होता है तो सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ पे हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस में बताना है कि कौन सा यहाँ पे सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। तो सबसे पहले सॉलिड का कॉलम बनाएंगे, फिर लिक्विड का और फिर गैस का। सॉलिड में आ जाएगा कोल, वुड, वैक्स, शुगर, क्योंकि ये कंप्रेस नहीं होते, इनका फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप होता है। लिक्विड में आ जाएगा केरोसिन, मिल्क और ब्लड। गैसेस में आ जाएगा ऑक्सीजन और वाटर वेपर। अब हमारे कुछ एडिशनल क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैटर। तो मैटर हम एनीथिंग दैट कैन हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसके अंदर मास हो, स्पेस को कवर करते, उसको हम बोलते हैं मैटर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? तो the amount of space occupied by a matter is called its volume. कोई सा भी मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं उसका वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मास. तो मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की कितनी क्वांटिटी उसको हम बोलते हैं मास. नेक्स्ट है इफ एन ऑब्जेक्ट वेट 6 kg ऑन अर्थ व्हाट विल बी वेट ऑन मून. अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 6 kg अर्थ पर तो मून में क्या होगा, तो मून में 1 kg होगा, क्योंकि मून और अर्थ में 6 टाइम का डिफरेंस है, यानी कि अर्थ पे 6 टाइम ज़्यादा होता है और मून पे कम होता है. तो यहाँ पे अगर 6 kg है तो वहाँ पे 1 kg हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द मून फ्रॉम द अर्थ व्हाट विल बी इट्स मास. अगर किसी ऑब्जेक्ट को मून से अर्थ पे लेके आए तो उसका मास क्या होगा, तो मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर पर. जबकि अगर वेट की बात करते हैं तो वेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वेट में क्या होता है, ग्रेविटी का मल्टीप्लाई होता है. जबकि मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर तो सेम ही रहेगा अर्थ हो या मून. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रॉम विच मैटर इज मेड. ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मैटर बना है तो वो होता है एटम. व्हाट आर मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम. जब बहुत सारे एटम को मिक्सअप कर देते हैं या ज्वाइन कर देते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है, और मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है. गिव वन डिफरेंस बिटवीन एटम मॉलिक्यूल्स. एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बताना है एक. तो एटम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट मॉलिक्यूल्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि मैटर जो होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, जबकि एटम नहीं हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वहीं पर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ हमें चीज़ें दी हुई हैं, उनको हमें क्लासीफाई करना है कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा और गैस कौन सा है. तो सॉलिड में आ जाएगा कॉमन साल्ट, वैक्स, स्टोन, शुगर, कोल, बटर, कॉपर. लिक्विड में जाएगा मिल्क, मरकरी, ब्लड, कोकोनट ऑयल, केरोसिन. और गैस में जाएगा ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है Why do solid, liquid and gas differ in the physical state? Solid, liquid और gas जो होते हैं physical state में अलग अलग क्यों होते हैं, तो because of intermolecular force of attraction and intermolecular space. Force of attraction की वजह से और intermolecular space की वजह से. What are fluids? Fluids क्या होते हैं और 2 example बताना है. Substance that can flow. ऐसे substance जो flow होते हैं उनको हम बोलते हैं fluid, जैसे कि oxygen, water, etc. और example ये हो जाएंगे इसके, oxygen, हाइड्रोजन, वाटर, पेट्रोल, एक्सेट्रा. डिफाइन इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. इंटरकन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, तो द प्रोसेस बाय विच मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 conditions फॉर द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसके 2 conditions कौन से, यानी कि क्या चेंज होगा वहाँ पे. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो भी होगा, और प्रेशर चेंज करेंगे तो भी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अ लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट. एक लिक्विड गैसियस स्टेट में कैसे चेंज होगा इसको एक्सप्लेन करना है. तो ऐसा लिक्विड इज हीटेड, वह जब हम किसी लिक्विड को हीटअप करेंगे इट पार्टिकल स्टार्ट गेनिंग एनर्जी, इसके पार्टिकल एनर्जी गेन करेंगे एंड मूव मोर वाइग्रेसली विथ इंक्रीज द गैप बिटवीन द पार्टिकल और डिक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जब हम किसी लिक्विड को हीटअप करेंगे तो पार्टिकल एनर्जी गेन करेंगे और मूव करेंगे बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में. नेक्स्ट है क्वेश्चन वाटर साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ वाटर. एक्सप्लेन. जो वाटर साइकिल है वो एक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर है. ऐसा क्यों, तो वाटर फ्रॉम ओशन, जो ओशन का पानी है, रिवर्स का है, लेक्स का है, लीव्स ऑफ ट्रीज, चेंज इनटू वेपर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज और इवेपोरेट इंटर द एटमॉस्फेयर एज क्लाउड. व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स द वेपर्स चेंज इनटू वेपर वाटर एंड सम ऑफ इट फॉर्म स्नोफॉल और माउंटेन एंड अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड हेल्थ एंड इन द कंटिन्यूस. दस वाटर साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. जो ओशन का वाटर है, रिवर का वाटर है, पॉन्ड्स का वाटर है, वाटर है ट्रीज के लीव्स का, वो क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवेपोरेट होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जाता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में, और फिर वो क्या करता है एटमॉस्फेयर में जाकर वो क्लाउड फॉर्म करता है, यानी कि कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, वहाँ पे वो ज्वाइन होता है। फिर वो ज्वाइन होकर जब हैवी क्लाउड हो जाते हैं तो वो फिर रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में अर्थ पर गिरता है, माउंटेन्स पर गिरता है। तो यानी कि लिक्विड से वेपर में गया, वेपर से सॉलिड स्टेट में आ गया, आइस और स्नो की फॉर्म में, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहा है। इसलिए वाटर साइकिल क्या है, इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, क्योंकि इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होता है, हमारा जो मैटर है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, तो नंबर वन इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। सॉलिड आर जनरली इनकम्प्रेसिबल, इनको हम दबा नहीं सकते आसानी से। सॉलिड रिजल्ट होते हैं और दे डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स में रिलेशन क्या है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो होता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वहीं के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब हम बात करते हैं रिलेशन, तो द बेसिक रिलेशन बिटवीन इज दैट दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। अगर कहीं पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्पेस क्या हो जाएगा, कम, और कहीं पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत काफ़ी कम है तो स्पेस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड का एक डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा कम होगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा। इस वजह से इनका जो डेफिनेट शेप नहीं होता है और ना ही फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, तो इनका वैसा शेप हो जाता है जैसे उसको कंटेनर में हम फिलअप करें। व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम किसी सॉलिड को हीटअप करेंगे तो क्या होगा, तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब भी हम किसी सॉलिड को हीटअप करेंगे इट्स मॉलिक्यूल गेन एनर्जी एंड वाइब्रेट फास्टर, इसके मॉलिक्यूल जो है एनर्जी गेन करेंगे और वाइब्रेट होंगे। स्टेज कम्स, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी व्हेन दे ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ईच अदर, और एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी जब उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दिस रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं इजली, क्यों, दिस इज बिकॉज इन द गैस इंटरमोलिकुलर स्पेस आर वेरी लेस, क्योंकि गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इस वजह से हम कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड कैन फ्लो इजली, लिक्विड इजली फ्लो क्यों हो सकते हैं, तो इन लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिक्विड के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, दैट इज़ वाई लिक्विड कैन फ्लो इजली। वी नीड टू क्लासीफाई थिंग, किसी भी चीज़ को हमें क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों है, वी नीड टू क्लासीफाई थिंग्स बिकॉज टू डिस्टेंस देम, हमें किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ज़रूरत ताकि हम उनके बीच में डिफरेंस बता सकें अलग अलग चीज़ों के बारे में, और उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है प्योर सब्सटेंस और फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसा क्यों, तो प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही तरह के मैटर से बने हुए होते हैं। All the particles of a pure substance are alike. It has a definite composition and similar property. जो pure substance होते हैं उनके अंदर definite composition और एक similar properties होती है सारे particles की। यही एक रीजन है कि pure substance का melting point और boiling point फिक्स होता है। Electricity not considered matter. Electricity को हम matter की form में consider क्यों नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के नाइदर भी है मास और नो ऑक्यूपाई स्पेस। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ना ही कोई मास है ना ही कोई ऑक्यूपाई स्पेस करती है। बिसाइड इट कैन नॉट बी सीन बाय आवर आइज, ना ही हम इलेक्ट्रिसिटी को हमारी आंखों से देख सकते हैं। दैट इज द वाई इलेक्ट्रिसिटी नॉट कंसिडर एज मैटर, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को मैटर के फॉर्म में कंसिडर नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मैटर को डिफाइन करना है तो एनीथिंग दैट कैन हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसके अंदर मास हो और ऑक्यूपाई करते हुए स्पेस को वो कहलाती है मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एलिमेंट के डिफाइन करना है तो एलिमेंट, इट इज डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है डेट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं हम एटम। तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, सॉरी एटम। मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या है? किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट है जो हम पहले कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नेम द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। थ्री स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से है? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो हम पहले इसको देख चुके हैं। लिक्विड फ्लो, लिक्विड और गैस फ्लो हो सकते हैं, सॉलिड नहीं। तो ये भी हम देख चुके हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है, वह लिक्विड और गैस में कम होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट पूछा था, गैस फिल अप द स्पेस अवेलेबल। गैस को हम फिल करते हैं तो उसके बीच में स्पेस होता है क्योंकि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ स्कैन स्प्रेड इन अ रूम। जो फ्यूम्स हम यूज़ करते हैं वो पूरे रूम में फैल जाती है, तो ऐसा क्यों? तो स्कैन फ्यूम्स बीइंग गैसेस फिल द स्पेस बिटवीन एयर मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर फिल द स्पेस बिटवीन स्कैन मॉलिक्यूल डू टू डिफ्यूजन। फ्यूम्स स्प्रेड इनटू अ रूम, क्योंकि जो फ्यूम्स है वो किसी पर्टिकुलर जगह पर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका क्या होता है, जो प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। हमें कोई पता है कि कोई सी भी चीज़ हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाती है, तो हमारे पास जो फ्यूम है वहाँ पे हायर कंसनट्रेशन है और जूम जो है उसमें लोअर कंसनट्रेशन है, तो वो हायर से पूरे लोअर कंसनट्रेशन लोअर साइड जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो पूरे रूम में वो फैल जाएगा, इस वजह से वो पूरे के पूरे वहाँ पर हमें स्मेल आएगी पूरे के पूरे रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं कि कौन सा जो क्वेश्चन हमें करना है, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देख चुके हैं। जैसे कि हमने सॉलिड और लिक्विड के बीच में डिफरेंस बताना, लिक्विड और गैस के। तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है। गैस का डेफिनेट शेप भी नहीं होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, गैसेस में और भी ज़्यादा वीक होता है। मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड नहीं होते, जबकि गैसेस में यहाँ पर भी बाउंड नहीं होते हैं। तो ये हम देख चुके हैं इसके बीच में डिफरेंस। एटम और मॉलिक्यूल के बीच में भी हम डिफरेंस देख सकते हैं। अब ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हैं, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देख ही चुके हैं और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज अ काइंड ऑफ मैटर। मैटर क्या है? तो लाइट, साउंड और हीट का मैटर है, क्योंकि इसमें ना ही कोई वेट है ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो एक हमारा मैटर है। सेकंड क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम इज कॉल्ड। ना ही डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, तो वो हो जाएगा गैस। देयर आर लार्ज इंटरमोलिकुलर गैस। लार्ज इंटरमोलिकुलर गैस एयर के बीच में होता है, यानी कि गैसेस के बीच में होता है। ऑल काइंड ऑफ मैटर, जितने भी तरह के मैटर है वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस और मास उनके अंदर होता है। नेक्स्ट है अ काइंड ऑफ मैटर विच कैन सब्लाइम। एक ऐसा मैटर जिसको हम सब्लिम कर सकते हैं, तो वो होता है आयोडीन। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस विच कैन चेंज इन इट्स स्टेट। ऐसा सब्सटेंस जो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, तो वो होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड। ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो पॉइंट कहलाता है या वो प्रोसेस होती है मेल्टिंग। अ सॉलिड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डेट हैज़। सॉलिड एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है? तो दैट कैन फ्लो। नेक्स्ट है गैसेस। तो गैसेस ऑक्यूपाई द इंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।